विवादों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाली राखी सावंत इन दिनों अपने पति आदिल को जेल भिजवाने को लेकर लाइमलाइट में हैं। इस बीच उनकी शर्लिन चोपड़ा से भी दोस्ती हो गई है। दोनों के बीच गंदी कैट फाइट हुई थी, यहाँ तक कि शर्लिन ने राखी के खिलाफ पुलिस केस भी किया था। हालांकि अब उनका बॉन्ड ठीक हो गया है। आपको बता दे, शर्लिन चोपड़ा ने जब साजिद खान और सलमान खान के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब राखी उनके खिलाफ हो गई थी। लेकिन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों एक साथ आए और अपना दुख दर्द बांटा। देखिए शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत ने मीडिया से क्या बातचीत की। जान ही ले लोगी, राखी जी से सेक्सी ब्लैक ड्रेस पहनने को कहा था। तुम इतनी हॉट लग रही हो, आग लगाओगी क्या दुनिया में? आग आपने लगा दी बहुत ज्यादा हर तरफ। सो स्वीट। तो ये आपको इंडियन हॉट ड्रेस नहीं लग रहा थोड़ा सा? नहीं, कितना हाई क्यों है? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। पहले ये म्यूजिक बंद हो जाए फिर उसको बोलिए ना। करेगा, बोला दो मिनट जो बाहर म्यूजिक चल रहा है वो बंद नहीं होगा। शादी का म्यूजिक है, बाहर का म्यूजिक। पहले बैठते हैं, पहले बैठे हुए करेंगे, फिर खड़े होके करेंगे और फिर जंपिंग। माले ये दो बंद नहीं करा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। बहुत खुश हो रहा है शर्ली, आंखें थक गई है, दिन जैसे तैसे कट जाता है, वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया जीवन में। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ। दोस्त यार सब लोग हैं भाई, लेकिन कैसे? मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं तो इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी ना धोखा खाने वाली लड़की हूँ, कैसे मेरे साथ हो गया? प्यार करते करते शादी कर ली, शादी कुछ समझ में नहीं आया, बर्बाद होती गई होती गई होती गई बर्बाद होती गई। हमारी मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को और मैंने राखी से पूछा, राखी आपको अपने जीवन का राजकुमार मिला तो आप खुश क्यों नहीं हो? पता चला कि इनके जीवन का राजकुमार दुनिया का सबसे महान ठग निकला, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और लोगों के साथ फरेब करता है। और जब राखी जी ने मुझे हाल ही में ये बताया कि मैसूर की कोई ईरानी लड़की उनके झांसे में आ गई और उनके साथ कैसे इनके एक्स पति या नहीं प्रेजेंट है पति देव ने यौन उत्पीड़न किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है, यानी ये बंदा कितनी महिलाओं के साथ गलत किया है। शादी से पहले भी और मेरी शादी होने के बाद भी कंटिन्यूसली उस लड़की ने मुझे होटल के पूरा सब कुछ भेजा है, ऑडियो बाइट्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट चैटिंग। इनके शेल्टर में है वो अभी। शैली जी जो हैं मैसूर से हैं, तो इन्होंने उनको पनाह दी है, शैली ने उनको सपोर्ट कर रही है रहने के लिए। म्यूजिक बंद करवाइए ना। ये जो है आप जानते हैं कि किससे वो मदद मांगे, मर्दों से मदद मांगने का मतलब आप जानते हैं कि एक औरत के लिए क्या रहता है। क्योंकि मैं उसको पहले से जानती थी, मैं राखी को भी जानती हूँ, मुझे पता था राखी के साथ क्या हो रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा होगा ये मुझे काफ़ी अंदाज़ा था। तो जब वो आई तो मैंने इस पर काफ़ी विचार किया, मैंने राखी से भी डिस्कस किया कि कैसे इसको हमें क्या करना चाहिए इस लड़की को, क्योंकि तू तो आवाज़ उठा सकती है, इसका क्या करेंगे? ये भी उसकी बहुत ज़्यादा मतलब 5 सालों से ये लड़की के साथ जो है वो सब चल रहा था, जो राखी के साथ 7 महीने से चल रहा था। तो उसके बाद जब वो आई तो मैंने वहाँ से कार्रवाई की और जो है पुलिस ने और सब ने हमें सपोर्ट किया और जो है
धारा 376 के तहत उसके ऊपर मुकदमा जो है दर्ज किया गया है और मैसूर पुलिस इस वक्त हमारे साथ यहाँ आई हुई है जो कस्टडी लेने के लिए जो है इंतज़ार में है कि कोर्ट कल क्या ऑर्डर देता है उसके बेसिस पे जो है आगे की प्रोसीडिंग हमारी तरफ से की। आज से 4 महीने पहले इस लड़की ने मुझे कॉल किया था मैसूर से, चीख चीख के रो रही है कि मुझे आदिल मार डालेगा, मुझे बचा लो राखी मैम। अंग्रेज रहता ना सेंटेंस, ईरानी एक्सेंट में, सोचे कौन है भाई ये राखी। मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, अभी भी रखा है, आपको भेजा मैंने, इस लड़के मुझे राखी मैम मुझे बचा लो, ये आपके साथ धोखा कर रहा है, मुझे छोड़ के यहाँ पे मुझे शादी के वादे करके आपके पास आया है, आपको यूज़ कर रहा है फिल्मों के लिए, पैसों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और लिटरली वो लड़की का नाम मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ, हाँ मैं नहीं करूँगी। तो मुझे कह रही है और मैंने आदिल को बताया, आदिल ये सब क्या है। आदिल ने उसके घर में जाके दरवाज़ा तोड़ा, उसे पीटा और भी लड़कों को जाके उसे पिटवाया, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो लड़की ने सारी पीटते हुए दरवाज़ा तोड़ते हुए सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो सारी लड़की मुझसे मदद मांग रही, मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। आदिल ने मुझे बोला कि नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये कर रही है, तुम मेरी बीवी हो, बीवी की तरह रहो, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो तुम हमें एक बंद कमरे में ही सब कुछ चुपचाप रहना चाहिए। मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसे किसी लड़की के साथ कर रहे हो तो मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं, आई विल सेटल, देखो देखो मुझसे पैसे मांग रही है, देखो देखो मुझसे ये कर रही है कि मेरी फ़ीस भर दो, ये कर दो। बाद में वो लड़की ने मुझे बताया कि इसने मुझे फंसा के अपने वीज़ा पे लाया, घर पे रखा, मुझे मारता है और वो सारी 376 की धाराएँ जो है लगी हैं वो सब करता है। मैम मुझे बचा लो। अब मैं जानू नहीं, मैं सोची कि क्या हो रहा है। इन्होंने मुझे उससे ब्लॉक करवा दिया, उसको भी बोल के मुझे ब्लॉक करवा दिया कि देखो इनकी उसके साथ में ऐसे वैसी सारी वीडियोस पिक्चर होगी तो एक बीवी को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। तो वो उसने मुझे कसम खाई है कि वो तुमसे मुझे छुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो तुमको ब्लैकमेल कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम इनकी बातों में मत आओ। तो तब मैंने शैली वो इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त उनको माफ़ कर दिया। फिर मैंने कहा चलो जाने दो आप, मुझे कहा कि उसकी माँ को कैंसर है, मैं उसको भेज दे रहा हूँ ईरान, और मुझे उस वक्त कहा गया कि ईरान भेज दिया। लेकिन बाद में फिर भी मुझे पता चला इन्होंने उनको जेवर खरीद के दिए, ऑडियो है मेरे पास, बिल्स है, इन्होंने उनको फीस भरी मेरे ही पैसों से, फीस भरी, केक भेज रहे, उनकी कैट्स को खाना तो चलो चल जाता है, उतना तो चल जाता है, उनके पास कैट्स इन्होंने दिए, मतलब पूरा खर्चा जो चला रहे थे सारे मेरे पैसों से पूरा खर्चा चला रहे थे। और एक दिन इन्होंने मुझे बिल दिया कि देखिए वो मैंने उसको इतना सारा पैसा दिया, सॉरी जान मैंने आपके पैसों में से खर्चा किया, मैंने उसको दिया। मैंने बोले आप मेरे पैसे खर्च कर रहे और आप उस लड़की के, मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी के होते हुए आप उसको क्यों कर रहे हैं। नहीं वो स्टूडेंट है ना तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन असली हकीकत शर्लिन मुझे अभी सब पता चला जब धारा 376 लगी तो वो लड़की चिक चिक के रोई। ये कब हुआ, जब मैंने मेरी शादी अनाउंस करी। उन्होंने, वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अनाउंस हो, इसलिए मुझे दबा के रखा था कि मेरी शादी अनाउंस ना हो ताकि ये सारी लड़कियां बाहर आ जाएगी। इवन बहुत सारी लड़कियां बाहर आई है, उनकी मंगेतर भी आई है जो अभी फ़िलहाल उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी है, अभी तक उनकी मंगेतर थी, पहले उनकी शादी हो गई थी, जो मुझे सुनने में आया था, जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि राखी सावंत बॉलीवुड में मैं बहुत ही बोल्ड बिंदास हूँ? बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि हम बोल्ड हैं और हम शेरनी हैं, हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। लेकिन वाहिद भाई आप देख रहे हैं कि हम जैसे लड़कियों के साथ यदि यौन उत्पीड़न, यौन शोषण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हो सकता है तो आम लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा इस दुनिया में। आदिल ने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि आप मुझे सलमान से मिलाओ, शाहरुख से मिलाओ, कार्तिक आर्यन से मिलाओ, मुझे फिल्म फेयर में ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ, शादी होने के बाद अगर तुम नहीं करोगी तो मैं सारी लड़कियों के पास जाऊँगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी, अगर तुम ऐसे ऐसे मतलब वीडियो बना के तुम्हें देखोगी तुम पागल हो जाओगी, मेंटली पागल खाने में चली जाओगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। हर वक्त उसने 7-8 महीने उन्होंने मेरा
मैं एक सेलिब्रिटी होकर इतनी स्ट्रांग होकर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया बार बार तलाक का धमकी देकर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए कि वो पदार्थ को क्या कहते हैं वो नशीली पदार्थ ना सब्सटेंस बूस्टर वो पीकर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। वो मैं पुलिस ने वो सब कुछ उनके ड्रॉअर में से निकाल कर लेकर गए, पुलिस के पास सारे प्रूफ है, मेरा मेडिकल भी किया गया है, उसमें वो सारी चीज़ें आ गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ, मैं इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी धोखा ना खाने वाली, कभी ठोकर ना खाने वाली, मेरे साथ ऐसा आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड ने किया है तो हिंदुस्तान में और कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने किया है। मैं लंदन गई थी 7-8 दिन के लिए, दुबई में मेरा एक हाउस है जो मेरे नाम पे ही है और इसके जिसके मैं EMI भरती हूँ। इन्होंने मुझे कहा तुम दुनिया को बोलो कि ये घर मैंने तुम्हें दिया है। मैं बोली मैं क्यों बोलूँ जब मेरी EMI जाती है, नहीं तुम बोलो मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, तुम मुझे इस अवार्ड में ले चलो, तुम मुझे फिल्म बनाओ, तुम मुझे वीडियो में करो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, तुम मेरे लिए नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो मैंने कहा कि मैं आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हो मैं कैसे बिलीव करूँगी, क्योंकि मुझे शैली ने बताया कि मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए आए थे मेरे इंश्योरेंस के, तो उन्होंने बताया कि उसको पता चला 70 लाख तेरे आए हैं, तो उन्होंने शैली को बताया देख मैं पैसे कैसे उड़ाता हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ। शैली से बताइए कि शैली बताइए ज़रा। एक्चुअली मैं और राखी एक एग्रीमेंट कर रहे थे जहाँ पर इनकी पहली बार मुलाकात था, उसी दिन राखी को मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे अपने अकाउंट से, तो वो अकाउंट में इसके क्रेडिट हुए या नहीं, बीच में आदिल बैठा था तो इसने उसको पास करते हुए दिया कि वो पैसे क्रेडिट हुए कि नहीं, जहाँ इसका बैलेंस उसको दिखाई देगा जो बैलेंस 70 लाख रुपीज़ था। आने के बाद उसने ये डिस्कशन मेरे साथ किया कि देखो मैं कार के बिजनेस में उससे कैसे इन्वेस्ट करवाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा ये सब ठीक नहीं है आदित, जो जो तुम्हारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है ये सब ठीक नहीं है। उसने बोला नहीं आप भी आ जाओ, मैंने कहा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर मैंने राखी को ये सब बताने की कोशिश की कि उसका प्लान क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसने राखी को जो है मुझे ब्लॉक करवा दिया। उसने बोला कि ये नहीं चाहती है कि हम दोनों एक साथ रहें, एक साथ मिलें या हमारा कोई आपस में संबंध बने, तो आप उस औरत को पहले ब्लॉक कर दी। उन्होंने जो है मुझे ब्लॉक किया। मैंने और भी कई बार कोशिश की बाद में भी राखी को बताने की इंटेंशन क्या है और उसका क्या इरादे हैं इस सब को लेके, लेकिन जब भी मेरी कभी उनसे किसी बारे में बात होने की कोई भी मैं ट्राई करती तो उसने हमेशा राखी को बोला मुझे ब्लॉक कर दो। वो एक्चुअली मैसूर से जो भी मुझे कॉल आता है वो सबको ब्लैक करने के लिए बोलते हैं ब्लॉक, और जो भी लड़की का मुझे कॉल आता है वो सब बोलते हैं कि नहीं वो मुझे ब्लैक कर ब्लैकमेल कर रही है राखी, वो तुमको मुझसे जुदा करना चाहती है राखी। हर लड़की के बारे में, इवन अभी प्रेजेंट है उसको भी मेरे खिलाफ भड़काया, जो ईरानी लड़की है उसको भी भड़काया, उसको लिटरली आज मुझे शैली ने वो प्रूफ दिए हैं कि उसको ये कहते हैं कि जान मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ बॉलीवुड में, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी, इंग्लिश में है, मैंने आपने भी ऑडियो सुनी, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टार, मैं बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ, राखी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे शादी कर रहा हूँ फ़ायदे के लिए, सब कुछ आपके लिए कमाना चाह रहा हूँ, और मैं राखी को अक्टूबर नवंबर लास्ट टू लास्ट दिसंबर में मैं छोड़ दूंगा, तो आपने मुझसे शादी क्यों करी, मैं मेरे धर्म परिवर्तन क्यों करवाया, आपने मुझसे निकाह क्यों किया, आपने कुरान पे हाथ रखकर ये क्यों कहा कि मैं सारी ज़िंदगी साथ निभाऊंगा, आपने मैं इतनी लड़कियां कम से कम 7-8 महीने में इतनी लड़कियों को मैंने छुड़वाया है, इन्होंने बार बार कसमें खाई, बार बार छुड़वाया, मतलब अगर मैं इनका काम ना करूं तो ये एक लड़की लेकर आते हैं मेरे घर तक पर पहुंच गई लड़कियां। जब मैं यहाँ पे मराठी बिग बॉस में गई, इधर उधर लंदन गई, कहीं कनाडा गई, मेरे घर तक पहुंच जाती है लड़कियों को ये भी पता है अरे राखी का तो झूठा सर्टिफिकेट है, वो शी इज़ नॉट माय वाइफ, इट्स अ फेक, इट्स अ जेरोक्स कलर। ये हिरानी लड़की को भी 5 साल तक शादी का वादा किया और उसको यौन शोषण करता रहा। और वाहिद भाई
आप सबसे मैं ये पूछ रही हूँ, अगर इसे लव जिहाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? यहाँ पर राखी सावंत के साथ चीटिंग हुई है, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इनका शोषण हुआ है। देखिए, एक आदमी के लिए, एक गलत आदमी के लिए, शर्लिन माय फ्रेंड, हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते, पूरी कॉम को बदनाम, पूरी कॉम को बदनाम नहीं कर सकते मेरी जान। देखिए शर्लिन, आपका जो जो कहना है वो बिल्कुल जायज है कि आप वहाँ जा सकते हैं उस एंगल में, लेकिन उसी तरह एक दूसरा एंगल भी है कि उसी राखी सावंत को सपोर्ट करने के लिए वाहिद अली खान बैठा है फ्रॉम डे वन, ये तमाम लोग जानते हैं, सारे मुसलमान मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एक शख्स, और ऐसा नहीं है कि वाहिद अली खान ने पहले इनको आगा नहीं किया, आप पूछिए, 7 महीना पहले, तब तक शादी हो चुकी थी मेरी, जिम में मैंने देखा दोनों को, तभी मैंने आगा किया कि he is not the right person for you। तब तक मैंने भाई को नहीं बताया था कि मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी निकाह को रजिस्टर्ड मैरिज हो चुका था, तो अब मैं क्या मुंह लेकर बोलूं? और इन्होंने बोला कि मैंने रादिल की इंक्वायरी करी है, राखी इसके पर इतने केसेस है मैसूर से, इज अ चीटर, इज दिस दिस, मैंने बोला भाई अब मैं क्या करूं। अच्छा, तब भी इसने खुलासा नहीं किया कि शादी हो गई है? बोले भाई इट इज टू लेट, बस इतना बोल के खत्म कर दिया, खुलासा तो अभी हुआ है, एक महीना पहले बिग बॉस से आने के बाद जब मेरी माँ कर चुके हैं, मैंने जब देखा कि लड़कियां मेरे घर में आ रही है, लड़कियां मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो नाम लो तो स्टार बन जाते हैं, मेरे हस्बैंड आदिल को यूज किया स्टार बनने के लिए लड़कियों ने, यह भी नहीं देखा कि इस लड़की राखी सावंत का घर टूट जाएगा, हम किसी शादीशुदा जिंदगी में जाते हैं, मेरा ही सिक्का खोटा था तो मैं दूसरी लड़कियों को क्या दोष दूं? चलिए, ये तो हो गई भाई राखी सावंत की बात, जो पिछले एक महीने से भुगत रही है, और पुलिस स्टेशन से कोर्ट, कोर्ट से दूसरा कोर्ट, दूसरे कोर्ट से वापस पुलिस स्टेशन, ये चल रहा है। अब हम ये जानेंगे कि आज राखी और शर्लिन, दो शेरनियां बॉलीवुड की, एक साथ बैठी हैं हमारे साथ में, क्यों बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं, क्या वजह है बैठने की, अब ये दोनों इस मुद्दे पे बात करेंगे। आपको क्वेश्चन करना है, प्लीज आस्क। शर्लिन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, नो डाउट हम दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ हो गया था, लेकिन मैं उस चीज के लिए अपनी बहन से माफी मांगती हूँ, आई लव यू। और छोटी बहन या बड़ी बहन? छोटी बहन, हम उम्र। तो बात यह है, तो शर्लिन ने आदिल को भाई करके एक वीडियो दिया था, हालांकि इनको बिल्कुल सच्चाई पता नहीं थी। शर्लिन को मैंने फ़ोन किया, मैंने सच्चाई बताई, शर्लिन ने घर पे बुलाया, मैंने उनको सारी वीडियोस, सारा जितना भी सब कुछ था मैंने उनको दिखाया, शी शॉक्ड, इनके रोंगटे खड़े हो गए, ओ माय गॉड, ये आदिल है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम पागल हो ऐसे लड़के से शादी करने के लिए, तुम्हें और कोई नहीं मिला था, ये तुमने क्या किया, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब आगे मैं शर्लिन को क्या बोलूं, मैं तो उसको भाई मानने लगी थी, मुझे लगा कि चलो हमारी राजकुमारी का राजकुमार है वो। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को, आपने सारी वीडियोस देखे? जी जी, राखी जी के सेलफोन पर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे, आपत्तिजनक वीडियोस, जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे लगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये है असलियत आपके भाई साहब की। तो मैंने कहा अब क्या? उन्होंने कहा कि बस जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा, और क्या, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना। तो मैं सोच में पड़ गई, मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्यार इश्क मोहब्बत में आम तौर पर हमें धोखा मिलता है, क्यों, क्या ये कोई पैटर्न है क्या? फिल्मों में अच्छा लगता है लेकिन असल ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं। तो मैंने राखी से कहा कि राखी, आपको आपका वो गाना याद है परदेसिया, जिसमें आप इतनी हॉट लगती हैं, ज़बरदस्त, एकदम यू नो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ। तो मैंने कहा आप जल्द से जल्द वैसे बन जाओ, मतलब न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आपका जो ये ब्रांड है फायर ब्रांड जिसे कहा जाता है। एक्चुअली मैंने कहा आई स्टिल, उन्होंने पूछा यू लव आदिल, आई स्टिल लव हिम, मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले अपने आप से प्यार करो।
इन्होंने मुझे सिखाया। मैंने इनसे पूछा, एक सेकेंड, आदिल खुद से प्यार करते हैं, आप आदिल से प्यार करते हैं, तो राखी सावंत से कौन प्यार करता है? तो ये सोच में पड़ गई, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि राखी सावंत से कौन प्यार करता है। तो मैंने कहा करो करो, जितना उस बंदे से प्यार करती हो या करती थी, उससे 10 गुना ज़्यादा खुद से प्यार करो। और तब ये थोड़ी भावुक हो गई। नहीं, राखी सावंत से तमाम लोग प्यार करते हैं, वो तो दर्शक प्यार करते हैं, आप करती हैं, मैं करता हूं, और यहां जो लोग बैठे हैं वो सभी करते हैं, राखी अकेले नहीं है, मीडिया के तमाम लोग प्यार करते हैं। ये खुद से क्यों नहीं करती हैं? नहीं, करने लगेंगी अब आपने जो सिखाया है, अब वो खुद से भी प्यार धीरे धीरे होने लगे। जब ये अकेले बैठ के घर में ठंडे दिमाग से सोच रही है, हमेशा गला दबाते, आज भी दबा दे ये। चलिए क्वेश्चन एक बार प्लीज। जी मैंने स्टेप तब इसलिए नहीं लिया था कि मैं अपना घर बचाना चाह रही थी, कि ऐसा तो बहुत सारे लोगों के घर में होता है, यू नो, हर जगह। अब मैं कोशिश कर रही थी, उनको मौका दे रही थी, वो हमेशा कसमें खा रहे थे कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन फिर करते थे। आदिल हमेशा कसमें खाते थे दोबारा नहीं करूँगा, फिर उनके आंटी से बात करती थी, उनकी आंटी हमेशा कहती थी गिव हिम अ वन चांस, एंड आई वॉज गिविंग हिम, ऑलवेज गिविंग मै चांस, हमेशा मैं चांस देती थी। और फिर मैंने कहा कि चलो राखी, मुझे सबने बोला कि अब तुम्हारा बेबी हो जाना चाहिए, तो आदिल सुधर जाएगा। सो मैंने उस वक्त एक बहुत बड़ा सर्जरी मेरा हुआ यूट्रस का, या आई डिड इट, के हाँ मेरा प्रॉब्लम था थोड़ा, तो आई डिड इट। डॉक्टर विना शिंदे उन्होंने ही सर्जरी किया मेरा, एंड विद इन 1 or 2 months मैंने कंसीव भी किया, एंड हालांकि उन्होंने मना किया था कि 2-3 months तो बिल्कुल, कुछ 6 months तो कुछ नहीं होना चाहिए था, बट इट्स अ लाइफ, इट्स अ मैरिज लाइफ, यू कांट स्टॉप दिस। एंड इतने में मुझे बिग बॉस मराठी का ऑफर आ गया, एंड मैं बिग बॉस मराठी में चली गई। देन बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई, मैंने बहुत सारा बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरे पे पहले भी एक दाग लगा था मेरे फर्स्ट मैरिज का, जो कि मेरी वो मैरिज नहीं थी, बट मैंने कहा कि अब मैं दुनिया का और मीडिया वालों को, अब मैं वो डर गई थी मैं एक्चुअली, कि मुझे फिर से लगाएंगे दाग, कि अरे इसके, इनका दाग रहता है ना हिंदुस्तान में, ये दाग लगाते हैं, अरे इसके साथ तो कोई आदमी नहीं टिकता, अरे इसकी दूसरी शादी हो गई, लड़का कितना भोला है, अरे इसी में प्रॉब्लम है, औरत में ही प्रॉब्लम है। इस डर से मैं सामने नहीं आ रही थी। आदिल ने बार बार बोला, मेरा चेहरा देखती हो, हाँ तो मैं मेंटल साबित कर दूंगा, तुम ऑलरेडी मीडिया में बदनाम हो, दुनिया में बदनाम हो, लोग मेरा विश्वास करेंगे तुम्हारा नहीं। मैं डर के मारे चुप बैठी, मैं बोली ये बात तो सच है, मैं तो पीड़िता हूँ, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं, उन्होंने कहा नमाज पढ़, मैं नमाज पढ़ी और मन से पढ़ी, कुछ नहीं, मैं उल्टा उनको ज़बरदस्ती करती थी, आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। वो सिर्फ फ्राइडे को पढ़ते थे, वो भी मिस कर जाते थे, बीवी होने के नाते उनको कहती थी पढ़ो, और मैं भी खुद पढ़ती थी। उन्होंने बोला कि हमको, मुझे आपसे फ्रीडम चाहिए, तुम मेरे पीछे पड़ी रहोगी तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं कभी पीछे गई नहीं, लेकिन हमेशा लड़कियों ने मुझे, उनके साथ में वीडियोस भेजे हैं, उन लड़कियों का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ मैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्लबों में किसिंग, होटल बुकिंग, मेरे ही पैसों से सारी होटल बुकिंग, उनकी फ्लाइटें बुकिंग, उनको गिफ्टें देना। मुझे एक, मेरे बर्थडे पे मेरे ही पैसों से मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया, उसके साथ में गोल्ड वॉच आई है। तो अभी 3-4 लड़कियां हैं, अब चारों लड़कियों को मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, उसमें गोल्ड वॉच भी उसके साथ आई थी जो वो दुबई से लिया था, तो उन्होंने, तो वो अब चारों में से किसको दी है, मैं चारों को किसको पूछने जाऊँ। और मेरी माँ के जेवर, जब ये चले गए कपड़ों के, मेरी माँ के जेवर, पैसे अब कौन सी लड़की को दिए हैं इन्होंने, मैं चारों को पूछ रही हूँ। मेरी माँ के जेवर है वो मेरी पूंजी है, मेरी माँ का आशीर्वाद है वो, मुझे दे दो जिस भी लड़की के पास उन्होंने दिया है।
पूछिए पूछिए सवाल पूछिए। राखी पर जिस तरह आपने जिक्र किया सर ट्रांजेक्शन हो रहे थे, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे थे कि किस तरह से ट्रांजेक्शन? नहीं, आदिल ने कहा कि मैं मैसूर से आ गया हूँ, आपके सामने की बात है, एक रुपया लेकर नहीं आया था। एम आर राइट शैली? 100% शैली, एक भी रुपया लेकर आया था वो? वो नहीं आया। उन्होंने बोला तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे, मैंने सबके पैसे लिए, चेक बाउंस किए, मेरे पे केस हो गए। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, अब मुझे यहाँ पे ही रहूँगा। अब पहले उन्होंने नहीं बताया था कि मुझे बॉलीवुड में हीरो बनना है। ये शादी हो गई, उसके 2-3 महीने के बाद इनको हीरो बनने का कीड़ा छा गया, एक्टिंग क्लास यू नो सारी क्लासेस करने लगे। मैंने बोला अरे तुमने कहा था हम बिजनेस करेंगे, क्या मैंने बिजनेसमैन से शादी करी कि एक स्ट्रगलर से शादी करी है? अब तुम जिंदगी में स्ट्रगल, तुम मुझसे छोटे हो 7 साल, तुम स्ट्रगल करोगे, मतलब मुझे ही कमाना है जिंदगी में। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं घर संभालना चाहती हूँ, क्या मुझे फिर से जिम जाके, क्या मुझे फिर से वही कपड़े पहन के काम करना है? उनको दे दी गई है तकरीबन 1,50,00,000 का ट्रांजेक्शन, 1,60,00,000 का, जिसमें राखी ने 1,50,00,000 पहले दिए और 10,00,000 रुपया बिग बॉस में जाने से पहले, हाँ, ये कहकर वो 70,00,000 हो गए, मेरी माँ की इलाज के लिए यूज होना, ये पूरा स्टेटमेंट राखी ने रिकॉर्डेड। मैंने 10,00,000 रुपया मराठी बिग बॉस जाने से पहले चेक दिया था कि इसमें रादिल आदिल एंड राखी है, रादिल प्रोडक्शन में डाल देना, और इसमें मेरी माँ अगर कुछ होता है मुझे अंदर कोई बोलेगा नहीं, मेरी माँ का इलाज करना शर्लिन। तो इन्होंने क्या किया, रादिल प्रोडक्शन में तो नहीं, अपना इंडिविजुअल झूठा गुमस्ता मेरे जगह पर, झूठा प्रोप्राइटर ऐसा करके अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोला, उसमें 10,00,000 का चेक डाला और 5,00,000 मेरे, 5,00,000 उनको मिला के, और उन्होंने प्रोडक्शन में 1-2,00,000 खर्च किया होगा, दूसरा लड़कियों पे खर्च कर दिया, उनकी टिकट, होटल्स वोटल्स, उनके शॉपिंग, हर चीज़ों में। और ट्रांजैक्शन हमारा कैसे हुआ, मेरा और आदिल का जॉइंट अकाउंट हुआ, और उन्होंने कैसे किया, ओटीपी आता है, ओटीपी मुझे कहा जान, अब हस्बैंड है, मतलब हस्बैंड मतलब उस टाइम पे, उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, हमने जॉइंट अकाउंट किया था शादी से पहले का है, कि जानी बोलते हैं वो मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन देना ज़रा, मुझे देखना है कि मेरा गूगल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि शक्ल से तो एकदम सीधे साधे लगता है, जब तक उनका वो सब आया नहीं था मेरे पास। तो उन्होंने, मैंने फ़ोन दिया, तब तक मैंने ज़िंदगी में फ़ोन पे कभी पासवर्ड नहीं लगाया। दो, उन्होंने लिया, उन्होंने कब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कब उन्होंने 1,60,00,000 की कारें ले ली, मुझे पता ही नहीं चला ICICI बैंक से, और मुझे मालूम ही नहीं। मैं तो, मुझे तो लगा बैंक में पैसा है। मैं एक दिन, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने कहा कि हेलो मोहम्मद भाई, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मैं ले सकती हूँ क्या? आदिल ने मुझे कहा मैंने तो पैसे खर्च कर दिए। मुझे शौक लगा, मैंने कहा क्यों कैसे? बोलते मैंने तो सारी कारें ले ली है। मैंने कौन सी कारें ली? बोले मुझे बताना तो चाहिए था। तो मुझे बोला कार का सब, कार के 6 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियों का फोटो भेजा, कितनी कीमतें भेजी वो सब कुछ भेजा। और मुझे बोला ये कारों को मैं बेचूंगा, बस रेंज रोवर से लेके जगवार से लेके सारी कारों को मैंने सेकंड हैंड ली है, इसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने बोले मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप रखो मुझे। तो उन्होंने बोला टेंशन, मतलब मुझे एक साल दो, एक साल में सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा इससे कमा के। एक साल के ऊपर हो गया, मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। और उस चीज की रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप लोग को दे दी गई है, आप लोगों के पास है वो तमाम कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे आदिल कह रहा है कि मैंने गाड़ियाँ खरीदी हैं जान, मैं उन पैसों से प्रॉफिट कमा के तुम्हें दूंगा। तो राखी उनको कह रही है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा जो मुद्दल यानी कि कैपिटल अमाउंट लगा हुआ है वो मुझे दे दीजिए, काफी है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन को, पुलिस आयो सीनियर सबको कहना चाहूंगी कि आप वो बैंक में इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने क्या कार्य सचमुच ली है, या वो पैसों को किसी अकाउंट में डाले हैं, या वो पैसों का क्या किया है। वो मेरी पूंजी है, वो मैंने जेवर बेचे, मेरे सारे जेवर थे वो बेचकर, एंड मेरा इंश्योरेंस आया था वो सब 1,60,00,000 वो इनको मैंने अकाउंट में डाले शोलिन। और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई क्योंकि तुम हर औरत के हक के लिए बोलती हो।
मैंने यही कहा राखी जी से कि उन दिनों जब आदिल आपके पास आया था तब आप कोई अपना लोन क्लोज करने वाली थी जी या मेरे को अभी भी जब आप बात कर रहे हो मुझे याद मेरा इंपीरियल हाइट्स का एक लोन चल रहा था उसने मेरे को बोला मैं इसका ये लोन क्लोज नहीं करवाऊंगा और ये पैसे इन्वेस्ट करूंगा मुझे नहीं राइट मुझे अभी ये बात ध्यान में आई तो मैं आपसे राइट मेरा एक इंपीरियल हाइट्स का फ्लैट का लोन चल रहा था मैंने कहा मेरे पैसे आए हैं मुझे फटाफट लोन चुका देना है मेरे को कर्जा मुक्त हो जाना है क्योंकि मेरी मान स्टेटमेंट में यही कहा है पुलिस को कि मैंने वो पैसे लोन चुकाने के लिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं तो मेरे वो तो दिखा सकता है ना पुलिस को तो वो मेरे ही पैसे थे मुझे लोन चुकाना था और उसने कहा कि नहीं लोन तो मत चुकाओ इसको हम लोग बिजनेस में डालेंगे और ये एक एक कार अगर 50 लाख की है तो मैं 65 में बेचता हूँ तो 15 लाख हमारा बेनिफिट है प्रॉफिट है कभी 5 लाख प्रॉफिट है कभी 10 लाख है कभी 20 लाख है कभी 2 लाख है ऐसा प्रॉफिट है तो मैंने कहा एक काम करो मुझे मेरा मुद्दल दो प्रॉफिट आप रखो मुझे नहीं चाहिए नहीं मैं तुमको कभी कभी प्रॉफिट दूंगा मैंने कहा प्रॉफिट तो नहीं आप मेरे हम शादी करेंगे अगर आप मेरे हस्बैंड हैं तो आपको तो मतलब तो आप फ्री में तो नहीं रहेंगे ना कुछ तो घर में तो करना ही पड़ेगा ना ऑफकोर्स मैं तो कोई सिक्योरिटी तो मांग ही नहीं रही हूँ तो ये मेरा मुद्दा है जी बोलिए बोलिए क्वेश्चन मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि कुछ महीने पहले मैंने एक मुहिम शुरू की थी यौन शोषण का विरोध करने के लिए यौन शोषण करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तो जब मेरी मुलाकात हुई थी राखी जी से 9 फरवरी की शाम को तब राखी ने यही बात याद दिलाई कहा कि आप तो पीड़ित महिलाओं के हक में उनके पक्ष में आप आवाज़ उठाती हैं तो अपनी बहन के लिए यानी इनके लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगी मैंने बोला बिल्कुल उठाऊंगी बेशक उठाऊंगी क्यों नहीं तो आपके सो कॉल्ड कथित भाई साहब ने ऐसी हरकत की मेरे साथ तो मैंने कहा देखो राखी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आदिल की असलियत क्या है हमने मीडिया में आपके रोमांटिक वीडियोस देखे लवी डवी वीडियोस देखे और हमें ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं लेकिन नहीं मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और सच्चाई क्या है किसकी क्या असलियत है क्या हकीकत है लेकिन जब ये सारी बातें सामने निकल कर आई तब एहसास हुआ कि जैसे फिल्मों में हमें दिखता है लव स्टोरी वैसे रियल लाइफ में असल ज़िंदगी में होता नहीं है बहुत कम लोग होते हैं खुशनसीब जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है तो मैंने राखी से यही कहा कि राखी अब आपको क्या करना है तो राखी ने कहा कि सबसे पहले तो अपने पैसे वसूल करने हैं उससे क्योंकि वो मेहनत की कमाई है इनके सर पर किसी माँ बाप का हाथ कभी रहा नहीं जो कुछ इन्होंने कमाया है अपने बलबूते पर कमाया है जो कुछ बनी है अपने बलबूते पर बनी है तो मैंने कहा हाँ ये बात मतलब इस बात से मैं सहमत हूँ कि आप प्लीज़ अपने पैसों की वसूली करें आई फील सो सैड शर्लिन गर्लफ्रेंडों को जेवर बांट रहे हैं बीवी को कभी एक रिंग तक नहीं लेकर दी मैं बड़ा बनूंगा पहले तो मुझे बड़ा बनाओ मुझे इस्तेमाल किया सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में आने के लिए ऐसा कोई स्टार नहीं जो जिसे मैंने आदिल को नहीं मिलाया मीट माई हस्बैंड सारे स्टारों ने आदिल को इतना रिस्पेक्ट दिया प्यार दिया मुझे आज इतना दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ मैं ही मिली थी क्या सीढ़ी बनाने के लिए मेरी ज़िंदगी में तो और भी दर्द थे सबसे ज़्यादा तब हुआ जब मेरी माँ कैंसर से हॉस्पिटल में लड़ रही थी और ये लड़कियों के साथ घूम रहे थे मेरे पैसे जो मेरी माँ के इलाज के लिए होने चाहिए थे वो ये लड़कियों के पीछे पार्टियों में क्लबों में मेरी माँ हॉस्पिटल में है और ये क्लबों में घूम रहे हैं किस कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं और मैं वहां पे बिग बॉस में काम कर रही हूँ मराठी बिग बॉस में let's don't bring Tanu here let's talk about Shalini and Rakhi yeah we don't want to answer anything we I don't want to answer about any girl here let's just me and Shalini no more question about Rakhi ye jana chahenge ek normal rishta bhi judta hai to wo pehle dekhta hai ki ladka kaisa hai kya hai security pehle to wo leta hai aapne aisa kya dekh liya tha aadil ko jis kya dekh liya tha मैंने राजश्री को सबको वीडियोस भेजे थे वो आपको खाना खिला रहा है आपको जूते पहना रहा है
आपको सॉक्स पहना रहा है, आपके बाल गूंथ रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको फिल्म देखने लेके जा रहा है, आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहा है, आपको अभी वो कह रहा है कि मैंने कार गिफ्ट करी है, शैली कार मुझे किसने गिफ्ट करी है? आप बताओ, मुझे शैली ने कार गिफ्ट करी है, वो जो गिफ्ट है ना वो BMW X1 जो है शर्लिन, अपना शैली जो है वो मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाह रही थी, मैसूर से है, तो इन्होंने मुझे कहा तुम छोटी कार में घूमती मुझे अच्छा नहीं लगता राखी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक कार गिफ्ट करनी चाहिए, तो तुम मैसूर आ जाओ। तो जब उनका कार का बिजनेस था तो उनका क्या आपस में इंट्रोडक्शन यही हुआ था कि मैंने जो है आदिल जो है पहले से भी कार का बिजनेस ही करता था, उसका मेन बिजनेस जो है कार डीलिंग का या सेकेंड हैंड कार्स का, प्रीमियम कार्स का। तो जब मैंने उसको डिस्कस किया कि मैं राखी को एक कार देना चाह रही हूँ, तो उसने मेरे को कहा कि ठीक है दीदी, क्या इसमें जब भी आप वो सेरेमनी करेंगे, जब भी आप वो कार देंगे, क्या मैं भी उस टाइम पे उसका हिस्सा बन सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, कैन बी डन। तो जो मुलाकात जो राखी की हुई थी, जहाँ से बातचीत शुरू हुई, मैंने राखी को मैसूर बुलाया था और मैसूर से अपने कार ली, वहाँ से ही जो है ये सिलसिला जारी हुआ। तो मुझे वो कार शैली ने दी थी, लेकिन उस वहाँ पे उसने बोला तुम मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, शैलीन का नाम, शैली का नाम नहीं आना चाहिए। और मैंने कहा ओके, बट मैंने हमेशा जब कहती थी शैली, शैली ने मुझे कार दी, तो हमेशा वो चिढ़ते थे। बट आदिल आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने कुछ समय पहले ट्रांजिशन की बात की, काफी सारे बड़े बड़े अमाउंट ट्रांजेक्शन किए, कभी आपने कैश बुक या फिर कुछ बैंक से आपने पता करने की कोशिश की थी वो अमाउंट जा कहाँ रहे एग्जैक्टली? मैंने बैंक से पता करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे अकाउंटों में ट्रांसफर मारे, तो मेरे हस्बैंड को पूछा आपने ये कहाँ ट्रांसफर मारे, तो बोलते राखी डोंट इरिटेट मी, वो जो गुस्सा हो जाते हैं, जो मारना शुरू कर देते हैं। मैंने किया, मुझे कैसे पता चलेगा उन्होंने कहाँ ट्रांसफर किया? मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ ना, जो मेरे हस्बैंड आदिल ने मतलब जो ट्रांसफर किया, मुझे नहीं पता है ना, उन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ। अब वो पुलिस इंक्वायरी करे ना कि उनके अकाउंट में से, पुलिस इंक्वायरी करे ना, मैंने तो केस किया है। कौन सी धारा बोलते उसको? 420 तमाम धाराएं हैं। मैंने वो मुझे नहीं बताया ना, तो उन्होंने, मैंने उनको इतनी बार पूछा कार के लिए, उन्होंने हमेशा हाथ उठाया मेरे पे, ऐसे ऐसे हाथ उठाए, आप सोच नहीं, मेरे पेल्विक में अभी भी स्वेलिंग है। आज भी कोर्ट में हमने यही प्रे किया कि इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो सवालों का जवाब मिलेगा कि ये पैसे गए कहां। इतनी बड़ी मेरी सर्जरी हुई यूट्रस की, उन्होंने मुझे ऐसे लात मारी है, यहां मुझे अभी भी स्वेलिंग है, डॉक्टर ने भी देखा है, आप मुझे अभी लेके जाओ किसी भी डॉक्टर के पास, आप लोग अभी लेकर जाओ, सी माई स्वेलिंग, जा नहीं रही है वो, आदमी की लात कितनी जोर से पड़ती है। जब भी मैंने हमेशा 8 मंथ्स बर्दाश्त किया, हमेशा हाथ उठाते हैं, लोगों को मेरा ड्रामा लगता है। के लिए मैं एक चीज कहूंगी, आज मैसूर आके किसी से भी सवाल कीजिएगा, छोड़ दीजिए मुझे, आप किसी से भी जाके क्या है सच्चाई, वहां से पता चलेगी राखी के साथ क्या हुआ है। वो ईरानी लड़की को भी इतना मारा, मेरे पास ऑडियो सब कुछ है, मैंने भेजा, तब मुझे आज पता चला। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत क्या कर रही हैं? तो मैं ये बात शेयर करूं तो आप बुरा मत मानिएगा, शर्लिन, शर्लिन चोपड़ा ने खुला समर्थन दिया है राखी सावंत को और उनकी हर बातों को समर्थन दिया है, और राखी सावंत ने भी शर्लिन को पूरा समर्थन दिया है। तो अब ये दोस्त हैं, अब इनके बीच में जो नाइतफाकी थी वो दूर हो चुकी है। yes. तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ पकड़े और मीडिया के सामने किस करें, ऊपर करें। भाई ये साथ है जैसे नेता लोग करते हैं, हम नेता नहीं बॉलीवुड वाले हैं, तो ये दोनों अब साथ में हैं, ये अच्छी खबर है। मेरे को अभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसी चीजें लेते थे जो पुलिस को पता है, पुलिस के रिकॉर्ड में है,
और मुझे नहीं पता कि मीडिया के सामने मुझे वो बोलना चाहिए कि और भी सारी चीजें लेते थे कि नहीं। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है और वही हमने आज सेशन कोर्ट को, माननीय सेशन कोर्ट के सामने प्रे किया कि आदिल की पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है ताकि उसके मेडिकल। एक बात मैं आज बताना चाहूंगी, आदिल खुद सिगरेट पीते थे और मुझे खुद हाथ में देते कि पियो। मैंने कहा मैं इन सब चीजों से मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं करना, बहुत सारी चीजें उसमें। मैंने नहीं तुम लो, मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो मैं रोते हुए मैं आप लोगों को भी भेजूंगी रोते रोते। वो मैं कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बालकनी में खड़े होके, बालकनी में खड़े होने के लिए भी डर लगता था कि वो दुबई में मैं एक बार बालकनी में खड़ी हुई, मुझे ऐसा धक्का मार रहे थे, मैं डर गई। मुझे हमेशा, मुझे उनके साथ जाने के लिए डर लगता था हमेशा कि ये मुझे कुछ करेंगे करके। शलिन, मेरा सवाल रहेगा, शलिन जब आपकी पहली मुलाकात हुई, मुझे याद है कि पुलिस स्टेशन में ही पहली मुलाकात हुई थी, तभी भी आपके इंटरव्यूज हुए थे, आपने बोला कि तभी तब पुलिस स्टेशन में एक अलग ही वाक्य हो रहा था। आज हमें, हम सारे मीडिया को एक अलग ही वाक्य दिख रहा है, एक अलग ही चेहरा दिख रहा है, आप लोगों का, आप लोगों की दोस्ती हुई। एक सवाल मेरा वो भी रहेगा, बट जब आपकी पहली मुलाकात हुई, किस तरह से आदिल का बिहेवियर था टूवर्ड्स राखी, एंड किस तरह से आपकी चर्चा थी उनके साथ? जी वो कौन सा दिन था, 18 14 तारीख याद नहीं आ रही है, 18 जनवरी। यस, 18 जनवरी, 18 जब राखी को घर से, हाँ 18 जनवरी 2014 नहीं तारीख नहीं याद है, 18 जनवरी अभी, हाँ अम्बोली पुलिस स्टेशन। हाँ तो उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी आदिल से और उन्होंने पूछा योर शर्दन चोपड़ा ना, मैंने बोला हाँ, बोलिए। नहीं आप माफ़ कर दो ना राखी को, ऐसे कई को क्यों माफ़ करना, नहीं एक्चुअली आपको पता है ना वो थोड़ी सी सर फिरी है, बोल दिया उसने कुछ कुछ ऐसे। अच्छा तो आपकी बहन के बारे में इस तरह की बातें अगर वो कहे और आपकी बहन के आपत्तिजनक फोटोज़ वीडियोज़ मीडिया को बुला बुला कर दिखाए, आप माफ़ करेंगे? तो नहीं अब जाने दो ना, ऐसे क्यों जाने दो? अरे आपको मतलब आपके दिल में हमदर्दी नहीं है ज़रा भी मेरे लिए, अगर मैं आपकी बहन होती तो नहीं नहीं ये वो ये बोलकर हंसते हंसते निकल गया वहाँ से। और मैं और वहाँ से हंसते हंसते निकल गया और मैं वहाँ, पुलिस मुझसे सारे सवाल कर रही है, स्टेटमेंट ले रही है और बाहर रील बना रहा है, पुलिस स्टेशन में हंस रहा है, चिकन बिरयानी मंगा रहा है, बता भी रहा है, बोला देखो कितना व्यूज आया, देखो कितना व्यूज आया, देखो मैं विरल में छप गया, ये देखो मुझे लोगों ने छाप दिया, अरे मेरा, और बार बार मीडिया बाहर खड़ी है, खुद राउंड मार रहे और अपने इंस्टाग्राम पे वो रील पोस्ट कर रहे। सो कट टू कुछ दिन पहले कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे आपके भाई अरेस्ट हो गए, ऐसे क्या मेरे भाई अरेस्ट हुए, वो तो ऑकलैंड में रहते हैं। नहीं नहीं आदिल भाई अरेस्ट हो गए। मैंने बोला हे भगवान क्यों क्या हुआ? तो नहीं नहीं राखी ने अरेस्ट करा दिया। ऐसे अच्छा क्या किया उन्होंने? नहीं आपका क्या कहना है, क्या कहना है? ऐसे देखो मुझे नहीं पता उन लोगों के बारे में, यानी ऑफ कैमरा पर्दे के पीछे क्या रिश्ता है, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, मुझे नहीं पता तो मैं क्या बोलूँ? नहीं 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 आपको बोलना पड़ेगा। आई सेड मुझे नहीं पता कि किस वजह से अरेस्ट हुआ है, लेकिन अगर वो सच्चा प्यार करता है तो जो कुछ अनबन चल रही है दोनों के बीच में वो सुलह करे, हाँ अगर कोई गलती की हो तो गलती कबूल कर ले और फिर पैचअप कर ले, ख़त्म करे इस खिटपिट को। सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या खिटपिट करना ज़रूरी है? नहीं ना, तो उसी सवाल को मैं बढ़ाऊँगा। हाँ कि क्या खिटपिट ख़त्म हो गई, क्या दोस्ती हो गई, क्या आपने राखी को माफ़ कर दिया? देखिए माफ़ करने वाले हम कौन हैं, जो कुछ है परवरदिगार है। इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि शर्दन जैसे आपने कहा कि आपकी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी तो इनकी भी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी। इन्होंने बोला कि इनको उकसाया गया कुछ कुछ चीज़ें कहने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि देखो राखी, मेरे जो बलात्कारी हैं, जो मेरे आरोपी हैं, अगर आप उन्हें अपना भाई मानेंगी तो फिर ये दोस्ती कैसे चलेगी? इन्होंने कहा ठीक है।
मैं आपके आरोपियों को अपना भाई नहीं मानूंगी, आप मेरे आरोपी को अपना भाई मत मानो, बात खत्म। और हम दोनों मिलकर इस देश के, दुनिया के तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए, जरूरतमंद महिलाओं के लिए मिलकर आवाज उठाएंगे। मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये काम हमें करना चाहिए। हमने अपने लिए जिंदगी जी ली, आई मी माई सेल्फ, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे नौकर चाकर, बहुत हो गया। अब हम जिएंगे दूसरों के लिए, देश के लिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, जुड़े, और हमें बहुत अच्छा काम करना है आगे चलकर। मैंने राखी से कहा कि राखी, लोग आपके वीडियोस देखते हैं, आपके इंटरव्यूज देखते हैं, तो आप अब लोगों को हिम्मत दो, हौसला दो, प्रोत्साहन दो कि वो इस तरह के दर्दनाक रिश्तों से बाहर निकल कर कैसे खुद को हील कर सकते हैं, कैसे। पहले तो मुझे हील की जरूरत है, मैं दर्द में हूँ, मैं इतने दर्द में हूँ। आप हील हो रहे हो। हाँ, तुमने बहुत अच्छा बोला मुझे कि, मतलब चर्बी की दुकान इन्होंने मुझे कहा, बोला डाइटिंग करो, मैंने कहा कर रही हूँ। नहीं, मैंने पहले वीडियो कभी रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन वो कस्मे खाते थे तोड़ते थे, कस्मे खाते थे तोड़ते थे। तो जब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था तो मैंने बोला अब क्या करूं, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो जान, आप ये आखिरी बार बोलते हो तो मैं पहले इसको रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो उन्होंने बोला बाहर मत देना मीडिया को, मैंने मैं नहीं दूंगी, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए होगा, जब तुम दोबारा गलती करोगे तो ये वीडियो मैं आपको ही दिखाऊंगी, कितनी बार आप कसम खाए हो, कितनी बार कसम खाए हो, कितनी बार कुरान की कसम खाए हो, मम्मी की कसम खाए हो, खुदा की कसम खाए हो, अल्लाह की कसम खाए हो, मेरी कसम खाए हो, मेरे होने वाले बच्चे की कसम खाए हो, इतनी कसमें खाए हो। मुझे एक सवाल करना है वाहिद भाई से। वाहिद भाई, आदिल पता नहीं किस तरह का मुसलमान है, आप भी एक मुसलमान हैं, तो कुरान पर हाथ रखकर एक सच्चा मुसलमान झूठी कसम खा सकता क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कतई नहीं, कतई नहीं। इस चीज का मैंने ही कंडम नहीं किया, और मैं बताऊं आदिल के खिलाफ बहुत जल्दी फतवा भी आने वाला है। दुरानी जो अपने आप को बोलता है, दुरानी समाज से और मुस्लिम समाज से एक फतवा भी आएगा कि उसने बहुत ही जाहिलाना हरकत की है। और जिस तरह इसके जवाब आपको लोगों के कमेंट्स में दिख रहे होंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल जाहिलाना हरकत है। देखिए, सर पे टोपी नहीं है उसके, वो एक हाफ पैंट पहना हुआ है, गंदी गलीस, उल्टा हाथ रखा है कुरान शरीफ पे, तो ये एक हमारी होली बुक है। और उस वक्त मुझे पता नहीं था। वो तो छोड़िए, गैर कौम वो भी इज्जत से नाम लेती है इस किताब का। ये तो मुसलमान होके इस तरह की हरकत करता है, तो उसका कंडेम किया हमने शुरू से और आगे भी करेंगे। वो कसम मैंने लास्ट बार खिलाई थी, इतना हद हो गया था हमारे में, लड़ाइयाँ, झगड़े, मारा मारी, मतलब दरवाज़ा तोड़ना, मतलब मिरर तोड़ना, एंड टाइम पे मतलब ऐसा हो गया, उनका ड्राइवर भी तैयब बीच में था, इतना हो गया था वो लड़की के बीच में, वो लड़कियाँ दिन में 10-10 कॉल कर रही है, नीचे मिलने जा रही है, ये रात को 3-3, 4-4 बजे तक घर में नहीं आ रहा, जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है ना, टेंशन में, बीवी टेंशन में रो रही है, कहाँ हो, मैं सड़कों पर घूम रही हूँ, सड़कों पर घूम रही हूँ, मतलब ये कह रही हूँ कि अरे आप कहाँ हैं, आ नहीं रहे। एंड में मैंने कहा आप चले जाइए, अब आप डिसाइड कर लो, या आपको उसके साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। उसने मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा लेकिन उसके साथ रहूँगा। फिर सडनली उनकी आंटी और ने कुछ समझाया, फिर आके बोला कि नहीं नहीं, आई विल लिव हर। मैंने कहा आई विल नॉट बिलीव यू, आप कसम खाइए, आप कसम खाइए कि आप उसको ब्लॉक कर देंगे, फिर से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। उस वक्त मुझे पता ही नहीं उन्होंने शॉर्ट्स पहना कि क्या किया, उल्टा हाथ रखा, मैं तो वो टेंशन में थी कि भाई एक बार आखिरी बार कसम खा लो ताकि फिर से मेरा घर बस जाए, यू नो। चलिए, आप लोग सभी जानते हैं कि मैं मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हूँ, और आप लोगों के जो जहन में एक मेन सवाल चल रहा है उसका सवाल वो मैं शर्लिन से करना चाहूँगा। क्या शर्लिन जी, आप राखी सावंत के खिलाफ जो केस दर्ज किया उसको वापस लेंगे? आखिर हूँ तो मैं भी मीडिया का ही, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्ती हो गई है ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके, आपने जो मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ। तो आप क्या जो धाराएं लगाई हैं आपने और राखी के खिलाफ, क्या वो उसको वापस लेंगे? और राखी आपने भी कुछ धाराएं लगाई हैं एक शर्लिन के खिलाफ शिवारा में, तो क्या एक दूसरे से ये जो कोर्ट अभी शुरू किया है, मैं शर्लिन के खिलाफ मुझे कुछ भी नहीं, मैं ले लूंगी। वाहिद भाई, इनकी धाराएं
नॉन कॉग्निजिबल है। अरे चलिए आप ही बड़ी हैं यार, आपकी धाराएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या वो धाराओं को वापस लेंगी? कोर्ट में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होगा? ये एज अ मीडिया पर्सन पूछ रहा हूँ, इनका भाई हूँ इसलिए नहीं पूछ रहा, या आपका भाई हूँ इसलिए नहीं पूछ रहा। क्या बोलूँ मैं, देखिए मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी पीड़ित महिला को परेशान करूँ, ये पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है। और बस एक बार ये सबके सामने कह दें कि आगे चलकर ये कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगी, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि नहीं ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि किसी भी महिला के लिए, क्योंकि लोग देखते हैं सुनते हैं और फिर टिप्पणी करना शुरू करते हैं बगैर जाने कि सत्य क्या है। तो आप मान लीजिए इस बात, मैं बताती हूँ इनके क्या क्या शब्द थे मेरे लिए। आई डोंट वांट कि आप रिपीट करो, नो लेट्स फिनिश इट ऑफ, थैंक यू, फिनिश, थैंक यू एंड आई एम सॉरी, आई लव यू, आई लव यू टू। चलिए दोनों के पैसे बच गए कोर्ट का। आदिल ने वीडियो में अपने डैडी का नाम लिया है कि मेरे डैडी के पास कागजात कार्स हैं, आतिक भाई जो कोई है डीलर है आतिक भाई मैसूर से बैंगलोर से, उनका भी नाम लिया है। गाड़ियों का पूरा डिटेल वीडियो में है कि किसको किसको गाड़ियां दी हैं और किससे किससे वो गाड़ियां बेचकर वो पैसे लौटाए जाएंगे, वो तमाम स्टेटमेंट मीडिया के पास है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया के पास है। हम पहले भी एक थे लेकिन वो हो जाता है, हमने एक फिल्म साथ में की थी दिल बोले हड़प्पा। और हाथ एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बढ़ा, मैं बताऊं पहल किसने की ये पूछी, पहल किसने की ये पूछी, मैं बताती हूँ 9 फरवरी की शाम को जब कॉल आया था राखी जी का, उन्होंने सबसे पहले कहा हाउ कैन यू कॉल आदिल योर ब्रदर, हाउ हाउ। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, जब आप मेरे आरोपियों को बलात्कारियों को अपना भाई मान सकते हैं तो मैं क्यों ना मानूं, आपके परिवार को। और मुझे याद है 9 फरवरी को 1.5 घंटे मेरे भी खराब हुए थे। मेरा सवाल आपसे है कि दोनों बहन अब एक हो गए तो साजिद खान का क्या होगा? वो साजिद खान से पूछो, वो साजिद खान से पूछो, ऐसा मेरा अच्छा चल रहा है, मिलन चल रहा है, मिले तो यार साजिद खान के खिलाफ ऑलरेडी शर्लिन ने केस किया हुआ है। संबंध में इस संबंध में मैंने राखी जी से एक बात कही, मैंने कहा राखी मुझे आप साइड में रखो, ठीक है, मेरे जो इल्जाम है साजिद के खिलाफ वो भी साइड में रखो, मेरे अलावा ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया,